नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक चमत्कारी खुलासा है। और क्या आप सोच सकते हैं कि इंडिया में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहां सिर्फ 8.5 लाख रुपए साल की फीस थी, है, थी भी नहीं। ये कॉलेज जहां पर पीजी भी चलाया जाता है, 30 साल पुराना कॉलेज है। और इस कॉलेज में कुछ बच्चों को, और वो कुछ बच्चे बहुत कम नहीं है, 100 में से 30 बच्चे हैं जिनको पिछले साल 2020 में सिर्फ 162 नंबर ऑल इंडिया रैंक 6,31,000 पे भी एडमिशन मिला है। तो ये जो कॉलेज है, ये है माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, किशनगंज, बिहार। और ये जो 30 लकी बच्चे हैं, ये सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। सो ये एक छुपा हुआ हीरा है। देखिए, सिख माइनॉरिटी का दिमाग में आती लगता है कि पंजाब में होंगे, और पंजाब में ही एक कॉलेज है जहाँ पर सिख माइनॉरिटी के लिए जो प्रॉपर सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, बट ऑल द वे बिहार में भी एक कॉलेज है माता गुजरी देवी, जो 30 साल पुराना कॉलेज है, पीजी भी चलता है। लेकिन शायद काफ़ी सिख लोगों को पता नहीं है, या हम ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज वी आर नॉट इन टच विद राइट काउंसलर्स। और अब तो खैर मैं सबको बता ही दिया। और आप बिलीव कीजिए, लास्ट ईयर 165 नंबर पे भी सिख माइनॉरिटी के बच्चे को फीस सीट मिली है, सिर्फ 8.5 लाख रुपये साल की फीस। इमेजिन कीजिए हम कितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं और कितना पैसा खर्च करते हैं टू गेट अ गुड क्वालिटी एजुकेशन। सो ये खुलासा, ऑफ कोर्स इसी कॉलेज में जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ काफ़ी हाई थी, और वो भी रीजनेबल थी। मैं आपको सच बताऊँ तो वही जो हम लोग, एक मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली जो बिहार से बिलोंग नहीं करते ना, जैसे मैं बिहार का नाम लेता हूँ जाना ही नहीं चाहते हैं लोग। ठीक है, जो कॉलेज महंगे हैं वहाँ पर मैं आपको जाने के लिए कह भी नहीं रहा, लेकिन माता गुजरी देवी और कटिहार मेडिकल कॉलेज, जो कि कटिहार में है और भी पुराना है, 33 साल पुराना कॉलेज है, वहाँ पर ऑफ कोर्स इतना नीचे नहीं करा। वहाँ पर आपको 480 में मॉपअप में सीट मिली थी, पर वहाँ पर भी फीस सिर्फ 7.5 लाख रुपये साल की है। तो देखिए, 480 नंबर, अगर आप नॉर्थ में रह रहे हैं, आपके 490 नंबर हैं अगर, तो आपको छत्तीसगढ़ के अलावा आपके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। तो हम 12-13-14 लाख रुपये साल की फ़ीस देने को तैयार हैं, या यूपी में 12.5 लाख। लेकिन बिहार में 8 लाख में आपके पास दो कॉलेज हैं जहां आपको इस मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन वो बिहार की छवि कुछ हमारे दिमाग में ऐसी है कि हम वहाँ पर जाना ही नहीं चाहते हैं, और ये दिक्कत रह जाती है। ऑफकोर्स जो बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर फीस भी ज़्यादा है और कट ऑफ भी ज़्यादा थी, जबकि नारायण मेडिकल कॉलेज जो तीसरा अगेन पुराना कॉलेज है, वहाँ पर भी फीस 8.5 लाख रुपये है और वहाँ पर भी कट ऑफ रीजनेबल थी। तो बस वही मैं आप सबको शायद कहना चाह रहा हूँ कि ओपन माइंड से काउंसलिंग कीजिए, ओपन माइंड से हर चीज़ देखिए। हो सकता है कि आपको एक अच्छी सीट कम फीस में मिल जाए, अगर आप सही से रिसर्च कर रहे हैं अपनी और सही से आप एक्शन ले रहे हैं। सो बेस्ट विशेस इस साल की काउंसलिंग के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी लेने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, ताकि आपको ये सारी बातें, क्योंकि अभी तो ये पुराने साल की बात है, इस साल क्या होगा, जब नोटिफिकेशंस आती हैं बहुत चेंजेस होते हैं, इस कॉलेज की फ़ीस इस साल बढ़ जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो तीनों कॉलेज हैं बिहार के, कटिहार, माता गुजरी और नारायणा, जहाँ पर फीस भी कम है, 9 लाख से कम है, और कट ऑफ भी कर्नाटका की तरह इतनी ऊपर नहीं गई थी। तो जो हम कर्नाटका भागते हैं, केरला भागते हैं, 500-550 नंबर, वो भी डिफरेंट लैंग्वेज में जाते हैं, मैं स्पेशली नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए कह रहा हूँ। और ये तीनों ही बड़े शानदार कॉलेज हैं, बड़े पुराने कॉलेज हैं और बहुत ही अच्छी पढ़ाई कराते हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार में, माता गुजरी किशनगंज में, और नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में। ऑफकोर्स ये बिहार के पटना से दूर है, लेकिन अच्छी एजुकेशन है, सेफ एनवायरनमेंट है, सब कुछ बढ़िया है। सोचिएगा। धन्यवाद।